राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे नगड़िया। इस दौरान उन्होंने व्यवसायिक समुदाय, सामाजिक कार्यकर्ता और पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और सूबे के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि दलबदलू सरकार में अपराध की गिराव काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण आज व्यवसायी सहमे हैं। वहीं 2024 में बिहार से ऐतिहासिक जीत का आह्वान किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और नगड़िया के विधायक रश्मि वर्मा मौजूद रही। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजना चल रही है, कम से कम 2 मिनट समय निकाल कर हम सभी अपने सरकार के बातों को लोगों को बताएं। आज आपको ध्यान में आता ही होगा कि बिहार के अंदर कई तरह की घटनाएं कम, ये उदाहरण आप देख सकते हैं। और उनके हाथ में नियंत्रक ने स्वयं चाहे नीतीश बाबू हो और चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, अगर आज बिहार के अंदर इस प्रकार का माहौल वातावरण बनना प्रारंभ हो गया। अभी मुझे कल लोग कह रहे थे कि गोली मार दिया गया, ये कौन जिम्मेदार है? ये लाइन ऑर्डर का काम राज्य सरकार को करना पड़ता है। और इसके पहले अगर हमारे कोलिशन गवर्नमेंट के समय में आपने देखा होगा तो हमने केवल विकास के बारे में, आम आदमी के बारे में हम बात करते हैं। पता नहीं जो भाग से जो भी घटनाक्रम हुआ, परंतु नीतीश बाबू के बारे में जैसा कहते हैं दलबदलू समय पर, ये सत्ता के साथ में किस प्रकार का वातावरण और आम जनता बिहार के लोगों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब जानते हैं। जिसके गर्दन में कांग्रेस का पट्टा होता था वो सांसद हुआ करता था, विधायक हुआ करता था, लेकिन विकास के मामले में चंपारण की तरफ कोई पलट के नहीं देखा। और देखने का कोई काम किया तो अटल जी की सरकार ने शुरुआत किया, जो कामें बाकी थी वो मोदी जी की सरकार पूरा कर रही है। आप ओवर ब्रिज देख लीजिए, आप दोहरीकरण अटल, आपको याद होगा कि अटल जी की सरकार में रामविलास पासवान जी जब हुआ करते थे रेल मंत्री तो छोटी